बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली में रहने के बजाय विपक्ष की बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अवसरवादियों का ऐसा गठबंधन भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ये अवसरवादियों और सत्ता के भूखे नेताओं की बैठक है। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश को लेकर केंद्र और एलजी ने एससी में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र और एलजी ने अध्यादेश को सही ठहराया है और कहा है कि मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर आदेश अपलोड कर अफसरों के खिलाफ अभियान चलाया। आपके नेतृत्व वाली सरकार ने विजिलेंस अफसर को निशाना बनाया। रात 11 बजे के बाद फाइलों को अपने कब्जे में लेने के लिए विजिलेंस दफ्तर पहुँच गयी। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति अपकमिंग फिल्म मैरी क्रिसमस में नजर आने वाली हैं। बीते साल एक्ट्रेस ने फिल्म मैरी क्रिसमस का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस पोस्टर में कैटरीना और विजय का एक लुक फैंस को बहुत पसंद आया था। इस बीच कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस को लेकर नई अपडेट सामने आई है। फिल्म की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2023 है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान ने सोमवार को अपने विधायक की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को सौंपा। इसके दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर एक बार फिर दबंगई का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला टोल कर्मचारी को टोल मांगना इतना महंगा पड़ गया कि कार सवार महिला ने बूथ में घुसकर उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उस टोल कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई और उसे भद्दी भद्दी गालियां भी दी। महिला की बदतमीजी करने की पूरी घटना बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार की राजनीति में इन दिनों लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान की खूब चर्चा हो रही है। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को निमंत्रण मिला है। वहीं चिराग पासवान अभी दिल्ली में हैं। सोमवार को अमित शाह के आवास पर चिराग पासवान मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। इस दौरान दोनों नेताओं में एनडीए गठबंधन और बिहार की राजनीति को लेकर बातचीत हो रही है। झारखंड की मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। जमशेदपुर से सटे कपाली ताज नगर में देश की पहली महिला मस्जिद सैयदा जहरा बीबी फातिमा बनने वाली है। ये मस्जिद इस साल के अंत तक बन के तैयार हो जाएगी। इस मस्जिद की खास बात यह है कि इसमें केवल महिलाएं ही नमाज अदा करने जाएंगी। पुरुषों का प्रवेश इस मस्जिद में पूरी तरह से वर्जित होगा। बता दें कि इस मस्जिद में इमाम से लेकर दरबान तक सभी महिलाएं ही होंगी। मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद पाकिस्तानी महिला अपनी प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत आ गई। एक तरफ जहां उनकी लव स्टोरी भारत से लेकर पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक भी जताया जा रहा है। सीमा हैदर की अभी तक की जाँच में सामने आए फैक्ट्स को सचिन और सीमा से पूछताछ करके वेरीफाई किया जाएगा और फिर ATS नए सिरे से इनकी जाँच करेगी। राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एयर इंडिया की फ्लाइट में एक पैसेंजर के मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। फ्लाइट ने उदयपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, जिसकी तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोबाइल में ब्लास्ट की यह घटना एयर इंडिया की फ्लाइट 470 में हुई है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एक पैसेंजर के मोबाइल बैटरी में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस धमाके से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद फ्लाइट की उदयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को सेवा अध्यादेश विवाद और DERC चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर सुनवाई की। इस दौरान दिल्ली के LG और CM को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी झगड़े को बंद करने और राजनीति से ऊपर उठकर मामले को सुलझाने की सलाह दी। CGI ने साफ शब्दों में कहा कि मतभेदों से ऊपर उठे, ये राजनीतिक घमासान बंद होना चाहिए। CGI ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर दोनों पदाधिकारी बैठकर मतभेद क्यों नहीं सुलझा लेते। संवैधानिक पदाधिकारियों को इसका समाधान निकालना चाहिए। एफिडेविट में गलत जानकारी देकर गुमराह करने वाले उत्तर प्रदेश के 427 कॉलेज अब लाइफ टाइम फार्मेसी कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन UP ने 427 कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का फैसला किया है। अब ये कॉलेज लाइफ टाइम BTEUP से फार्मेसी कॉलेज चलाने के लिए NOC या संबद्धता नहीं ले पाएंगे। बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी की बदौलत हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर जाकर क्लोज हुआ। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के चलते बैंक निफ्टी के करीब 700 अंकों की तेजी देखी गई, जिसके चलते BSE सेंसेक्स 529 अंकों के उछाल के साथ 66,590 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 147 अंकों के उछालों के साथ 19,711 अंकों पर बंद हुआ है।
पाकिस्तान के कराची में करीब 150 साल पुराने एक हिंदू मंदिर को यह बताते हुए तोड़ दिया गया कि वह पुराना और खतरनाक है। मंदिर को तोड़े जाने की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान की सिंध सरकार ने कहा कि वह पूजा स्थल को तोड़कर किसी भी व्यावसायिक इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं देगी, भले ही वह किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का क्यों न हो। बता दें, मंदिर को चोरी छिपे नहीं बल्कि पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ा गया। भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। दूसरी ओर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज सीरीज 2023 में आमने सामने। सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-1 से आगे चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो लगातार मैच हारने के बाद मेजबान ने तीसरा मुकाबला जीतकर वापसी की थी, लेकिन चौथे मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव किया है। टीम में 40 साल के एक खिलाड़ी की एंट्री हुई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज खेली जा रही है। पहला टेस्ट मुकाबला हो गया है, लेकिन इसके बाद अभी भी काफी मैच बचे हुए हैं। ये लंबी सीरीज है और टेस्ट के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी। सबसे आखिर में 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है। इस बीच भारतीय खिलाड़ी अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर मैच में कोई न कोई नया कीर्तिमान बनने के लिए तैयार है। अब पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ नए रिकॉर्ड बनाने से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है।